दोस्तों आज आप सबके लिए मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए एक्सटेंशन एजुकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसके बारे में आज मैं बताऊंगा ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइंडली आप सब मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए सो लेट अस कम टू नो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या सीज है अकॉर्डिंग टू द ऑपी डा एक्सटेंशन एजुकेशन ईज एंड एजुकेशन एजुकेशनल प्रोसेस टू प्रोवाइड नॉलेज टू द रूरल पीपुल about the improved practices in a convenient manner to help the farmers to, to help the farmers to decision in their specific local conditions एक ओपी डामा द्वारा एक सोशल साइंटिस्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन वो चीज़ है जो ग्रामीण साथियों को ग्रामीण फार्मर्स को रूरल फार्म रूरल पीपल को इनका कन्वीन मैनर पे एक अपना डिसीजन लेके अपना लोकल कंडीशन के मुताबिक से टेक्नोलॉजी को नॉलेज को कैसे डेसीमिनेट करके इनको कैसे नॉलेज देना चाहिए इसको 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 बोला है एक्सटेंशन एजुकेशन ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर मेड एक्टेड विथ प्रैक्टिकल एबिलिटी एप्लीकेबिलिटी हैंस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर एलाइट प्रैक्टिसिज द बिलो मेंशन मेथड मस्ट भी नोन एज बिलो यहाँ पे हम फॉर्मेल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसके बाद इन सब को प्रैक्टिकली अप्लाई करके कैसे करके हम आगे बढ़ाना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा इसके बाद ट्रांसफार ऑफ टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट जो काम करता है हाईली एक सपोसिकेटेड एक लेबोरेटरी में हाई हाईली एक सपोसकेट सपोस रिसर्च सेंटर में जो काम करता है इसको हम ग्रामीण साथियों तो कैसे लेके आना चाहिए ग्रामीण साथियों का विचारा को कैसे हम साइंटिस्ट टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या टॉप साइंटिस्ट लेवल तक कैसे ले आना चाहिए मैं इसके बारे में बताऊंगा इसके लिए एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज जानने के लिए एक डॉक्टर को एक वेटनेरियन को एक एक्सेंसन ऑफिसर को कुछ तरीका एक, एक जानना चाहिए नंबर वन ए प्रोसेस इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस का अंदर में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोसेस के अंदर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन बेसिक रिसर्च बेसिकली हम क्या रिसर्च करना चाहिए उसको हम जानना चाहिए नंबर टू स्ट्रेटेजिक रिसर्च क्या क्या रिसर्च करने से रहेगा फिर उसको पर में जानना चाहिए नंबर थ्री টেকন'লজি জেন কোন টেকন'লজি কাম জেনেৰেট কৰানে কাম আয়ে নম্বৰ ফ'ৰ টেকন'লজি টেষ্টিং টেকন'লজি যেন কৰনা টেষ্টিং কৰনা টেষ্টিং কৰ ঠিক হ'ব তবনাল'জি জেনৰেট কৰনা বাট इस नंबर फाइव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को टेस्टिंग करके या टिका होने के बाद उसको हम टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर इंटीग्रेशन में लाना है नंबर सिक्स टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कैसे कैसे करके प्रोडक्शन करना है टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन करना है इसके बाद नंबर सेवन टेक्नोलॉजी डेसीमिनेशन टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट लेवल में बनाया है उसको हम ग्रासरूट ग्रामीण साथियों लेवल तक हम उसको पहुँचाना है डेसीमिनेट करना है नंबर एट टेक्नोलॉजी एरप्शन जो टेक्नोलॉजी अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी जो हम ग्रामीण साथियों तो दे, देश मिनट किया पहुँचे हैं उसको ग्रामीण साथी परामर्श जो है कम्युनिटी लेवल में उसका एक एरप्शन होना है उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए इसके बाद ग्रुप बी एंड बी द सिस्टम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर टेक्नोलॉजी के अंदर में हमको किया जाना चाहिए फर्स्ट ऑफ तो एक पार्स लाइन होता है पार्स लाइन में कौन कौन होता है आई सी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसके बाद स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इसके बाद के वीके कृषि विज्ञान केंद्र इसके बाद ए आर एस एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट नंबर टू एक प्रॉन्ट लाइन भी होता है इस प्रॉन्ट लाइन में कौन होता है सिस्टम सिस्टम का प्रॉन्ट लाइन में नंबर टू में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लाइट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड वॉल्ट्री एजेंसीज लोग होता है इसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टॉट প্ৰগ্ৰামত প্ৰ'গ্ৰাম ইণ্টাৰ ট্ৰেণ্টফ টেকনলজি ডাট মই কিয় একশ্যনল লেচনত নম্বৰ ৱান নম্বৰ টু লেবাৰটেৰি টু লেন এক নেচন লেৱেল ডেমোষ্টন হোৱা মৱৰ্ম ইণ্ডিয়া নেচনল লে এক্সপ্টেণ্ট হোৱা নম্বৰ টুমত लेबोरेटरी टू लेन जो साइंटिस्ट लेबोरेटरी में जो काम किया एक्सपेरिमेंट किया वो लेन में उसको हम ट्रांसफर करना है उसको प्रैक्टिकल में हम ग्रामीण लेवल तो उसको ट्रांसफर करना है नंबर के वी के ओ आर पी आई बी आई आई एल इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए KBK के वी के ओ आर पी आई एल के द्वारा हम उसको नंबर इस प्रोग्राम को लेके ले आना है इसके बाद दी कंसिक्वेंस ऑफ दी ट्रांसफर ऑफ़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को अगर अप्लाई करता है तो क्या होना चाहिए इसके इसका कंसिक्वेंस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा नंबर वन डिजायरेबल वर्सेज अनडिजायरेबल कुछ जरूरतमंद भी हो सकता है जरूरत नहीं वाला भी हो सकता है नंबर टू डायरेक्ट इंडायरेक्ट कुछ डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकता है किसी किसी को इनडायरेक्ट एप्लीकेशन अपलाई भी हो सकता है नंबर थ्री एंटिसिपेटेड एंड अन एंटीसिपेटेड इन सेंस वो ग्रामीण तरफ से उसको एक्सेप्टेंस भी हो सकता है एक्सेप्टेंस नहीं भी हो सकता है इसके बाद ई एपेक्ट्स ऑफ द ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँगा एडॉप्शन एडॉप्शन का अंदर में होता है कि नंबर वन न्यू आइडियाज़ नया नया आइडियाज़ को एडॉप्ट करना है इसके बाद नंबर टू मतलब रिप्लेस परजेंस तो जो प्रेजेंट जो पुराना जो उसको छोड़ के छोड़ के नया नया जो टेक्नोलॉजी को नया टेक्नोलॉजी से पुराना को रिप्लेस करना है इसके बाद रिजेक्शन भी हो, होता है नंबर वन पेशिव रिजेक्शन नंबर टू एक्टिव रिजेक्शन अगर वो टिकट नहीं होने से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर टिकटक नहीं होने से उसको रिजेक्शन भी कर सकता है इसके बाद एफ ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डिटर्मिनेंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर में कुछ पाइप पॉइंट है इसके बारे में बताऊंगा नंबर वन टेक्नोलॉजी वन टेक्नोलॉजी के अंदर में ही पेर एक सब ग्रुप होगा रिलेटिव एडवांटेज इस टेक्नोलॉजी से कुछ एडवांटेज तो होना चाहिए नंबर टू ऑब्जर्वेबिलिटी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को से हम ऑब्जर्वेशन को न सी कि इससे अच्छा होगा ना नहीं होगा नंबर थ्री कंपेटिबिलिटी कंपेटिबिलिटी इन द सेंस उससे उससे हम ग्रामीण साथ ग्रामीण साथियों तक तो पहुंचा कि वो उसका अपना लोकल कंडीशन पे उसका पॉसिबल होगा ना नहीं होगा नंबर फोर कम्प्लेक्सिटी कम्प्लेक्सिटी इन सेंस वो उसका तरीका तरिक, तौर तरीका पे वो उसको अप्लाई कर पाएगा ना नहीं फोरएगा उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी को कम्प्लेक्सिटी को देखना चाहिए नंबर फाइव ट्रायल एबिलिटी ट्रायल एबिलिटी इन सेंस हम उसको पी लेवल तक तो, उसको ट्रायल करना है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसके बाद नंबर टू कम्युनिकेशन चैनल्स कम्युनिकेशन चैनल में होता है कि वन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टू मास मीडिया कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल इज इज पर्सन टू पर्सनल कम्युनिकेशन मास मीडिया इज हम टीवी में न्यूज़ में रेडियो में जो कुछ भी हम उसको करता है उसको मास मीडिया बोलते हैं इसके बाद नंबर थ्री इन्ोवेसन डिसिसन प्रोसेस इनोवेसन डिसन प्रोसेस इन द सेन्स जो टेक्नोलोजी जब बनायो जो टी ओ इसका इनोवेशन हम कैसे कैसे करके डिसीजन कसैको डिसिसन लम्बर वन नलेज हाम्रो पास नॉलेज होना नलेज होना हो जरुरी उस नॉलेज के द्वारा हाम्रो सम्झा सकिना चाहियो नंबर टू पार्सुएसन पार्सुशन इन द सेंस हम ग्रामीण लेवल पे पी लेवल पे हम समझा बुझा के उसको एक्सेप्टेंस भी ला सकना चाहिए नंबर थ्री डिसीजन हम राइट right डिसीजन ले लेने में हेल्प करना है और हम राइट right डिसीजन लेने, लेने में लेने में कैपेबल होना है नंबर फोर इम्प्लीमेंटेशन हम अच्छा सब ये को टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस, उसको हम इम्प्लीमेंट करने जाना चाहिए नंबर फाइव कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन इन द सेंस जो टेक्नोलॉजी है थोड़ा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा जो डॉक्टर्स होता है जो वेटनरी जो एक्सटेंशन ऑफिसर होता है इसे कंट টেকনলজীক এড'প কিছু নম্বৰ ফ'ৰ লে'ল পে কিয় লেৱেলটিনেছ ইনোটনেছ ল পে কিয় এক টেকন'লজি য'ত নিকলাতে নাই নে যাব টেকনলজি চাইণ্টিষ্ট বনাতায়ে উন ডায়েৰেক একেপ্ট কৰক এক্সপ্ট নে কোনো ডায়েৰেক এই পাৰ্চ গ্ৰুপ হোৱানোটৰ ইন'ভেটৰ হেৰি নে নাই অেকনলি আনকৈ মই পটা পথ মতে এপ্লাই কৰছ পাৰ্ছ এক গ্ৰুপ হোৱা হাইলি এক কিয়ছিটি গ্ৰুপ হেক্ট अर्ली एडोप्टर इनोवेटर्स का एक अर्ली इनोवेटर से होने के बाद एक सेकेंड ग्रुप होता है कि हाँ यस हाँ भी इसको ट्राई करेगा बल्कि एक एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अर्ली एडोप्टर्स इसके बाद नंबर टू होता है कि अर्ली मेजोरिटी तो अर्ली एडोप्टर्स तो होने के बाद कुछ एक मेजोरिटी होता है कि यस हाँ उन्होंने भी कर दिया उनका भी काम अच्छा हो रहा है जो कि एक एक ग्रुप होता है कि वो भी एक्सेप्ट कर लेता है इसके बाद नंबर फोर में होता है कि लेट मेजोरिटी तो लेट मेजोरिटी जो है कि बहुत लोग आदमी करने के बाद में वो भी करना शुरू हो जाता है नंबर फाइव होता है लेगर्स वो अभी तक उसका कोई डिसीशन लेने नहीं सीखा ऐसे लोगों को लेगर्स बोलता है इसके इसके बाद नंबर फाइव सोशल सिस्टम ऑफ़ दी ट्रांसफर ऑफ़ टेक्नोलॉजी सोशल सिस्टम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में होता है हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना चाहिए सोशल स्ट्रक्चर उस कम्युनिटी का उस सोसाइटी का उस इस, 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 इस ग्रामीण जगह का कैसे इसका सोशल स्ट्रक्चर है नंबर टू इसका कैसे इसका सोशल नॉम्स है नंबर थ्री इसका सोशल कल्चर कैसा है उस सबको जान के हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम टेक्नोलॉजी को ये एप्लीकेशन में लाना है इसके बाद मैं आपको बताऊँगा ইম্পৰ্টেছ এন ৰটনিয়ন এক ডক্টৰ এক এগ্ৰিকাৰ হাৰ্টিকালচৰ অফিচাৰ ফিচৰিফিচাৰচন অফিচৰ লোক কিয় কৰলি মেইনলি বেটনৰিয়েটনীচ এড এক কমিউনিটি নম্বৰ ৱন টু এজুকেট দা পিপল আদমি ক এজুকেশানে নম্বৰ টু টু প্ৰ'বাইড ম'টিৱেশন ইন লোকক দে এক ম'টিৱেশন দে একত দে নম্বৰ থ্ৰী টু এনকৰেজ ফাৰ এক পাৰ্টিছপেচন ইন লেকনজী পে নাই নাই মিছন পে নাই নাযা গৱৰ্নমেণ্টিম পে পাৰ্টিছেট কৰিব জ্ঞান দেনা এনকৰেজ কৰিব নম্বৰ ফ'ৰ मेक ए पीपुल्स प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम होता है जो भी साइंस साइंटिस्ट लोग जो टेक्नोलॉजी बनाता है उसको ऐसे बनाना है कि ये पब्लिक का ही पीपल का ही उन लोगों का ही प्रोग्राम है ऐसे पीड़ित होने तक तो हम बनाना बनाना चाहिए नंबर फ़ाइव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हम ग्रामीण लेवल पे एक बस्ती लेवल पर गाँव लेवल पर एक कम्युनिटी लेवल पर उन लोगों को डिसीजन ले सकने लाइक तक तो हम उसको कुछ काबिलियत बनाना चाहिए नंबर सिक्स टू इंड्यूस परमानेंट चेंजेस हम इन लोगों में से एक ऐसे एक नॉलेज देना चाहिए कि वो लोग अपना सोच विचार जो है एक अच्छा एक दंग पे आने तक तो का हम बनाना चाहिए नंबर सेवन टू डेवलप लोकल लीडरशिप हम एज एन एक्सटेंशन ऑफिसर हम ग्रामीण में जाके हम कम्युनिटी में हम बस्ती में जाके उन लोगों में ही हम एक लीडरशिप डेवलप करना है उन लोगों में से ही हम एक लीडर चुनना है उन लोगों में से एक काबिलत बनाना चाहिए कि यस इस काम को हम हम निभा सकेगा सोचने तो उन, eight, उन लोगों में से हम लीडरशिप डेवलप करना चाहिए नंबर एट टू डेवलप रूरल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों में से हम ग्रुस ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप वॉलंटियर ग्रुप फार्मर्स ग्रुप इस तरह तो का बनाना चाहिए एन जी ओज वॉलन्टियर बनाना चाहिए कि ताकि वो लोग आगे 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 आए उन लोग रोल प्ले करने के लिए क्षमता हो जाए नंबर नाइन टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन द सेंस हम उन लोगों में से काफ़ी विश्वास डेवलप कर देना है कि यस हम हर चीज को हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर मिशन को हम टेकअप कर सकेगा इसके बाद जो भी साइंटिस्ट बने हैं हम इसको एडॉप्ट कर सकेगा सोचने तो उन लोगों में से हम एक विश्वास विश्वासकृत कर सकें इसके बाद टू इंप्लीमेंट एक्सटेंशन प्रैक्टिस इट इज नेसेसरी टू कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स बाई वन इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट टू ग्रुप कॉन्टैक्ट थ्री मास कॉन्टैक्ट आगे जो बोला गया नंबर नुम, नाइन जो पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफिसर जो करना चाहिए इसको हम अप्लाई करने के लिए तीन तरीक़ा से हम कम्युनिटी लेवल में कॉन्टेक्ट करना है नंबर वन इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेन टू तो मेन हाउस टू तो हाउस जाके इन को समझा बुझाना समझा बुझा भुजा, बुझाना है नंबर टू तो ग्रुप कॉन्टेक्ट जाके उनको मीटिंग अरेंज करना है ग्रुप ग्रुप बनाना है उन को समझाना चाहिए नंबर थ्री मास कॉन्टैक्ट इन द सेंस टी से रेडियो से जो भी ये सोशल मीडिया से जो भी हम उन को नॉलेज देना है देना चाहिए মই স্টেটিছ বতুংগা এক জেৰল ওফ ইণ্ডিয়া এণ্ড চেঞ্চ টু থাউজেণ্ড ইলেৱান দ টুটেল ফাৰ্মৰ কল্টিৱেটৰ পাণ্ডিয়া ইজন্ৰেড এই টু থাউজেণ্ড ইলে रजिस्टर जनरल इंडिया सेंसस रिपोर्ट में आया है कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन फार्मर जो है मिलियन होता है द टोटल रूरल पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशनिसवेंटी परसेंट ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन तो इंडिया का जितना पॉपुलेशन है इनमें सेवेंटी परसेंट एक रूरल पॉपुलेशन होता है इट इज इसल्सो रिपोर्टेड अराउंड सेवेंटी नाइन परसेंट फार्मर्स आर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स आर हुए ऐसे रिपोर्ट किया गया है कि सेवेंटी नाइन परसेंट पार्मर जो है स्माल स्मॉल और इनका मीडियम फार्मर होता है इसके बाद फोर्टीन परसेंट पार्मर का पास जमीन होता, स होता है ऑल्सो नेशनल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन थर्टी पॉपुलेशन इलिटरेट एंड फिफ्टीन परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इलिटरेट एस एनएसएसओ का द्वारा एक, एक देखा, देखा गया कि थर्टी फाइव परसेंट रूरल पॉपुलेशन जो है इलिटरेट पोालिका नहीं है इसके बाद फिफ्टीन परसेंट अर्बन जो शहर का लोग हैं उन लोगों में भी, भी पुरालिका नहीं होता है दिसवे <coughs> And thus the huge rural and urban population of farmers are having no knowledge about government of, government of india welfare policy and program like mandrega atma iwdp आई ए एन एम नेशनल लाइफ मिशन डी ई डी डायरी एंटरप्राइज डेवलपमेंट एस वाई बी पी हाईल्डिंग वाई टी प्रोग्राम आई ए पी आई ए डी ओ डी डी फी ए पी आर के वी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एन एस एम एन एन ए आई पी नेशनल आर्टिफिशल इंजेंट प्रोग्राम इस तरह तो का ऐसे बहुत प्रोग्राम होते हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन जिन जिन लोगों में पढ़ा लिखा नहीं होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा अच्छा वेलफेयर प्रोग्राम वेलफेयर मिशन के बारे में इन लोग कोई जानकारी नहीं है तो इनको जानकारी देने का जानकारी कौन देंगे हम देंगे एज डॉक्टर एज ए वेटनरियन एज एन एस ऑफिसर मोर ओवर दे आर नो टेक्निकल स्किल एंड डोंट नो हाउ टू यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू ऑफ सीरियल क्रॉप कैश क्रॉप एंड लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और लाइव स्टॉक फार्मिंग एक्सेट्रा मोर ओवर इन लोग जो पुराना लिखा नहीं होने के वजह से इन लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए हो या फोल्ट्री फार्मिंग के लिए हो या एग्रीकल्चर फार्मिंग हार्टिकल्चर फार्मिंग या फिशरी फार्मिंग के लिए हो उन लोगों को आइडिया नहीं होता है इन लोगों में स्किल डेवलपमेंट देना इन लोगों को नॉलेज देना वो हमारा ड्यूटी होता है दिस लैक्स ऑफ टेक्निकल नो प्रोग्रेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी न्यू ब्रिज एंड वराइटी इन लोगों का ग्रामीण लोग ग्रामीण का बस्ती का जो रूरल पॉपुलेशन और शहर का जो इलिट्रेट लोग का इन लोगों का इलिट्रेसिटी होने की वजह से इन लोग को ए, एक प्रॉब्लम होता है नया नया टेक्नोलॉजी को नया नया मिशन को नया नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, को जानकारी पाने में तकलीफ बताए तो इनको जानकारी देने का कौन है हम डॉक्टर होते हैं हम वेटनर एक्सटेंसन ऑफिसर होते हैं इसके बाद मैं बताऊँगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है तो वॉट इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मैं बहुत सुंदर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा देखिए दोस्तों द साइंटिस्ट वर्किंग विथ द लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर हैव नो टाइम टू मीट एंड डायरेक्ट डिस्कशन विद द फार्मर आल्सो फार्मर कैन नॉट एसेस डायरेक्टली विद द साइंटिस्ट वर्किंग इन द लेबोरेटरी और द रिसर्च सेंटर जो साइंटिस्ट लेबोरेटरी या रिसर्च सेंटर में जो काम करते हैं वो फार्मर के पास किसान के पास जाके उससे मिलने का समय नहीं होता है बात करने का समय नहीं होता है उसका प्रॉब्लम को जानने का समय नहीं होता ऐसे ही फार्मर जो किमी जो काम करते है वो साइंटिस्ट को लेबोरेटरी में जाके रिसर्च सेंटर में जाके मिलने का अपना प्रॉब्लम को बताने का सो ये, ये सुविधा नहीं होता है हेंस एक्सटेंसनल वर्कर्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय डेसिमिनेटिंग साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम लेबोरेटरी टू द फार्मर्स एंड ऑल्सो फीडबैक एनी आउटकम्स ऑफ द सक्सेस एंड पेलर रिपोर्ट टू द साइंटिस्ट फॉर बेटर मॉडिफिकेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर फार्मर्स और यूजर्स नीडेट एंड एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए हम जो एक्सटेंशन वर्कर जो डॉक्टर्स होता है जो वेटनेरियन होता है <coughs> जो फार्मर का जो साइंस साइंटिस्ट लोग जो लेबोरेटरी में बनाता है उसको हम ग्रामीण लेवल पे कम्युनिटी लेवल पे ले जाके उसको नॉलेज डेसीमिनेट करना है उन लोगों में लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग देता है इनको हम नॉलेज को अप्लाई करता है इसके बाद का जो प्रॉब्लम है फिर साइंटिस्ट को साइंटिस्ट को पेड़ वापस बताता है जो सक्सेस और जो फेलर है साइंटिस्ट को बता के हम हमेशा सा, ये साइंटिस्ट का लेवल उसको करेक्शन करने रहता है और उसको बेहतर वे से अप्लाई करने रहता है फॉर एग्जाम्पल हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंस्ट्रूमेंट इन कैटल एंड डेमोस्ट्रेशन द फार्मर लर्न टेक्निक ऑफ़ ग्रोइंग द हाई हाई यल्डिंग वराइटी क्रॉप्स हु दे डिड नॉट नो ऑलिया एग्जाम्पल के तौर में बोलते हैं जैसे कि कोई परमाणु होता है कि नया नया आर्टिफिशियल इंपिलेशन करने का एक और मॉडल होता है ए गान होता है दूसरा तो है का वीडियो मॉडल भी होता है इस तरह को कैसे अप्लाई करना चाहिए उनको उनको मालूम नहीं होता है तो हम डॉक्टर एज ए डॉक्टर एज ए बेटनर एज एन एक्सेंसन ऑफिसर हम इन लोग को सीखा के इन दूसरे रहता है खुद ब खुद उनको लोगों ये कर सकने का क्षमता रहता है वैसे ही हाई येलिंग वराइटी क्रॉप जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंटिस्ट जो बनाता है इसको ग्रामीण लोग मालूम नहीं होता है हम लोग जाके उनको जो एग्रीकल्चर उनको एग्रीकल्चर सेक्टर को एग्रीकल्चर लोग सेक्टर हर्टिकल्चर बैठने के जाकर लोग लोगों को सेक्टर जाके इस तरह का जो हम लोग जो है एक ट्रेनिंग देके ही को हम एक्सपर्ट बनता है दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डीआर फोर इट इज नेसेसरी टू इनकाल इसलिए बहुत ही जरूरी है सिखाना उन लोगों का माइंड में आने तक नंबर वन चेंज इन नॉलेज हम इनका नॉलेज को चेंज करना है जो उनके पास जो नॉलेज नहीं था हम उनको नॉलेज दे नॉलेज देना है नंबर टू सेंच इन स्किल इनके पास करने का नॉलेज को अप्लाई करने का जो जो काबिलियत हम उसको बुरा देना चाहिए इसके बाद नंबर थ्री सेंच इन एटीट्यूड हम इनका एटीट्यूड हम उसका सोच उसका बिचर उसका मैनर को हम टिक बनाना है नंबर फोर सेंस इन अंडरस्टैंडिंग इसका समझ समझने का क्षमता को समझने का कैपेबिलिटी को इसका अंडरस्टैंडिंग को हम बनाना है नंबर फाइव सेंस इन गोल जो इनका गोल इनका टारगेट जो मंजिल का हम बनाना है कि आप इतना ये साइंटिफिक मेथड अगर ये अप्लाई करेगा आप इतना इनकम होगा आपका इतना जनरेशन होगा आपका इतना प्रोडक्शन होगा ये बताना चाहिए नंबर सिक्स सेंस इन एक्शन इनका एक्शन को इनको लेजी होने नहीं देगा इनको हम परफेक्ट साइंटिफिक मेथड में अपना काम करने का को एक डिरिएक्शन देगा नंबर सेवन सेंस इन कॉन्फिडेंस उसका आत्म विश्वास को हम बनाना है उसका कन्फिडेंस

स्टडी एंड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड रिसोर्सेज ऑफ द फार्मर दैन एसिस द फार्मर टू डेवलप पिजबल फार्म प्लान्स हम फार्मर का बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं इसका रिसोर्स इसका कितना कैपेसिटी है कितना के यह है इस्टी कर इसके बाद पार्मर को हम मदद करना चाहिए इसका पीजीबल प्लान वो अपना तरीका से उसका अपना लेवल पर उसको हम एक इसको आगे बढ़ाने के लिए हम मदद करना है इसके बाद जो भी जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए नंबर टू गाइड एंड हेल्प द फार्मर इन एडॉप्टिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज मेटड्स एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम এণ্ড এক্সটেণ্টন এক্টিভিটি দেন মেক ফাৰ্মৰ এৱৰ অপৰচুনিটিজ এণ্ড ইকনামিকৱান্টেজ হম কিছান নাই নাই টেকনলজি ক্চেপ্ট কৰিব মই মদিয়ে এছক নলেজ দেখা চি ট্ৰেনিং ওৰ্গেনাইজ কৰনা চি অলটিমেটলি কিয় বেনিফিট হোৱা মিলে তক মদিয়ে নম্বৰ থ্ৰী ডেভেলপ এজ ফংশ লিংকেজ এণ্ড ৱে ইঞ্চটিটিউচন এণ্ড পাৰ্মাৰ্ছ ফাৰ ফুচৰ গাইডেঞ্চ হেল্প এক্সেট্ৰা এণ্ড অল্ছো এক স্পীড বেংক মেকানিজম হেষ্টেচন মেথড কটেনলজি কেই ফংশনল লিংকেজ বনানা চি চাইটছে পাৰ্মাৰ পাৰ্মাৰাইণ্টিষ্টটো বনাই কৈছে ইম্প্ৰুভ মেকানিজম কৰনা চাই হম ট্ৰান্সফৰ টেকনলজি এজ এন এক্সটেণ্টন অফিচাৰ এজ এ বেটনেৰিয় এজ ড ডক্তৰ কাম কৰ নিভানা চাই इसके बाद मैं आप सबको एक बॉडी एक और भी और बताऊंगा डेविएशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन क्या सीषे एक्सटेंशन एजुकेशन क्या सीषे मैं इसके बारे में बताऊंगा नंबर वन इन फॉर्मल एजुकेशन टीचिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द प्रिमिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन जब फॉर्मल एजुकेशन होता है जो टीचिंग जो है इंस्टीट्यूशन में होता है स्कूल में यूनिवर्सिटी में होता है इन एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है नंबर वन टीचिंग इज लार्ज लार्जली आउटसाइड साइड डिविंग पोवर ऑल इंस्टीट्यूशन, टीचिंग जो है कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी स्कूल का बाहर में होता है इसको कहीं भी जगह में भी हम इसको एक्सटेंशन एजुकेशन दे सकते हैं নম্বৰ টু ইন ফৰ্মেল এজুকেশ্যন দা লৰ্নৰ্চ আৰুমজিনিয় কমন গ'ল লৰ্নৰ্চন লোক যমোজিনিয় একম তৰ কাষ হেম তৰ গ্ৰুপ টাইপকেল এজুকেশ্যন লৰ্নৰ্চ হেট্ৰ'জিনিয়াই লৰ্নৰ্চৰি বুৰাব ইন ল'ব আলগ আগ টাৰগেট কুপে চিখা দেখা নম্বৰ থ্ৰী এষ্ট্ৰিক এডাৰণ্ট টু ইঞ্চিটিউচনল নামছ এণ্ড নো প্ৰি চইচ ফাৰ দৰ্ণৰ फॉर्मल एजुकेशन में एक इंस्टीट्यूशन का गाइडेंस ही पढ़ता है इसको अपना खुशी मुर्जी से होने नहीं रहता है लेकिन एक्सटेंसिव एजुकेशन में फ्रीडम एंड सोइस ऑफ सब्जेक्ट मेथर्स लेफ्ट लर्नर्स उसको क्या सीखना चाहिए सी उसको ये एल आई आई टी सीखना है ना उसको फार्मिंग सीखना है ना उसको मानिए ये मेकानिज्म सीखना है उनको उनको उर्थ उसका इंटरेस्ट के मुताबिक से हम सीखा रहता है नंबर फोर इन फॉर्मल एजुकेशन देर इज़ नो पीस कारिकुलम आफ्टर कंप्लीसन ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवेन फॉर्मल एजुकेशन में नंबर फोर में ये बताया गया कि इनको पीस कारिकुलम नहीं होता है डिग्री खत्म होने के साथ उसको हम लोग डिग्री सर्टिफिकेट एवॉर्डेड करता है इसके बाद उसको चाहे uh, yes, वो डॉक्टर डिग्री हो या ग्रेजुएट डिग्री हो पोस्ट ग्रेजुएट हो पी एच डी हो इस तरह तो का डिग्री देता है लेकिन एक्सेस एजुकेशन में क्या होता है नंबर फोर में देयर इज नो पीस कारिकुलम इट इस ए फ्लेक्जिबल डिपेंडिंग ऑन द नि्स ऑफ द लर्नर नो एग्जामिनेशन कंडक्टेड एंड नो डिग्री आर एवॉर्डेड एक्सेंस में क्या होता है कोई पीस करिकुलम नहीं होता है इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है तो लर्निंग जो आदमी जो है वो इंजीनियरिंग सीखना चाहते ना फार्मिंग सीखना चाहते हैं ना गार्डनिंग सीखना चाहते हैं उसका रिक्वायरमेंट के मुताबिक से हम लोग उसको ट्रेन करते हैं उसमें डिग्री अवार्ड नहीं होता है नंबर फाइव इन द फॉर्मल एजुकेशन नॉलेज फ्रॉम नॉलेज फ्रॉम टीचर्स टू द लर्नर फॉर्मल एजुकेशन में नॉलेज जो है टीचर से स्टूडेंट तक तो जाता है लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है एक्सटेंशन एजेंट ऑल्सो लर्नस फ्राम हुम ही और सीज टीचर्स इसमें क्या होता है एक्सटेंशन एजुकेशन में जो सीखाता है जो टीचर है एजेंट जो होता है वो खुद भी सिखाता है और जिसको सिखाता है उससे भी वो नॉलेज मिलता है टू एंड प्रो होता है इसके बाद नंबर सिक्स में फॉर्मल एजुकेशन में यह बोला है द टीचर्स ओनली इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स सिर्फ इसमें फॉर्मल एजुकेशन में टीचर ही स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकता है नंबर सिक्स एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या बोला है द एक्सटेंशन एजेंट दिस ए ग्रेट डील थ्रो एंड थ्रो ए लीडर्स इसमें एक्सेंस एजुकेशन जो है एक, तो, एक 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 लीडर एक, एक का एक नेता के रूप में एक हाईली एक क्वालिफाइड एक मतलब एक गाइड के रूप में सिखाना पड़ता है इसके बाद इन फॉर्मल एजुकेशन इन फॉर्मल एजुकेशन नंबर सेवन फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट विद द थियोरटिकल एंड वर्क्स अप टू द प्रैक्टिकल इन फॉर्मल एजुकेशन में थियोरटिकल स्टार्ट करके प्रैक्टिकल तक खत्म हो जाता है इन एक्सटेंशन एजुकेशन नंबर सेवन में क्या बोला है एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट विद प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड ऑफ द लर्नर्स इन व्हिच दे लिव एंड वर्क एंड डेवलप इनटू अ थियोरटिकल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इसको एक्सटेंशन एजुकेशन में उसका प्रैक्टिकल सिचुएशन में लर्नर्स वो जहाँ भी रहता है जिस सिस्टम में रहता है जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसका प्रैक्टिकल में सिखा रहता है अल्टीमेटली वो उसका अंडरस्टैंडिंग उसको उस पर उसका कहीं अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा नॉलेज से प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगा और मैं डेमोस्ट्रेट करना चाहूँगा कुछ एफ फ्रम आफ्टर एम एम डी बी क्वीन एस एस वैक्सीनेशन टॉप में जब मैंने इन दिस लेफ्ट कॉर्नर में ट्रीटिंग पाम एंड पार्मीटिंग एनिमल्स में आप कुछ एनिमल्स को अपने स्टॉप कर ट्रीटमेंट दे रहा हूँ मैं इनको सेलाइन इंटरपिनस इन दे रहा हूँ इसके बाद मैं कुछ ट्रीटमेंट दे रहा है इसके बाद राइट कॉर्नर में इंजीनियर टागे तक ऑनरेबल मिनिस्टर एनिमल हस्ब बेटरी एंड डायबल गवर्नमेंट ऑफ अनुसल विजिटिंग विद टॉप ऑफिसल्स ऑफ द डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर के साथ में हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ अरुण प्रदेश का जो ऑनरेबल मिनिस्टर एच बी एन डी डी का जो होता है इंजीनियर टाके तक जो है हमारा पाम को विजिट किया मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं डेमो दे रहा हूँ इसके बाद आई एम डेमोस्ट्रेटिंग समथिंग डेमोस्ट्रेटिक मशीन मिल्किंग बाई डॉक्टर ट्रकिन में जो भी कुछ है अंडोड मल्टीपर्पज डेवलपमेंट तो सोसाइटीज एंड इसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नोजी मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा कुछ कुछ टीम आए थे उन लोगों को मैं मशीन मिल्किंग कैसा करना चाहिए मैं मशीन मिल्किंग का डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड पर मैं 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 मशीन को इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ उसके बाद मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ इन राइट साइड पर मैं मशीन के साथ मैं एनीमल में मिल्किंग कराऊँ इसके बाद मैं इसमें कुछ फोटोज़ भी मैं दिखा रहा हूँ विद ट्रेनिंग्स फ्रॉम नॉर्थ इस्ट मल्टीपर्पज कोपेटिव सोसाइटी एन एम डी एंड आर्टा प्रोग्राम ऑफ कराटी डिस्ट्रिक्ट टीम को मैं न्यूजुल में उनको मैं डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ इन लोगों के यहाँ सामने बैनर्स भी हैं इन लोगों ने जिस जिसको मैंने ट्रेनिंग दिया था उन लोगों ने अपना बैनर के साथ में हमारे साथ कुछ फोटोज़ किया था इसके बाद में यहाँ है आ, श्री उपमानियव बासु बासु सर एक आईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी डेवलपमेंट का जो होता है जो हमारा पाम का विजिट किया था टॉप में हमारा जो पाम का एक इमेजेस इंटरनल इमेजेस है इसके बाद बॉटम दोनों में से हिमांशु उपमान्य उपमान्युब बासु सर के साथ मेरा डायरेक्टर एंडीमीटू सर इसके बाद मेरा जॉइन डॉक्टर तो एस एल डी कीपर सर इसका मेरा मैनेजर टाले सर माइसर डॉक्टर टाकिंग गमी इसके बाद इसमें डॉक्टर बाटल विश्वकर्मा भी डॉक्टर मौजूल में डॉक्टर ये लोगों लोगोभागे भी हम लोगों ने इसके बाद उसको डेमोस्ट्रेशन हमारा जो ऑनरेबल और, जॉइन सीक्ट्री हैं रेस्पेक्ट सॉ रेस्पेक्टेड जॉइंट सीट्री उपमान्य बासर सर को, का हम कुछ डेमोस्ट्रेशन भी दे रहे हैं इसके बाद मैं बताऊँगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम लाइक एक्सटेंशन फॉर फार्मर्स एक्सटेंशन जो है इनफॉर्मल फार्मर के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जिस तरीका से हम कैसे करके करना चाहिए इसके बारे में मैं कुछ बताऊँगा <coughs> the need for extension arises out of the fact that condition of the rural people in general and the farm person in particular has got to be improved. This gap is narrowed down mainly by the agriculture and the livestock development through the application of science and technology in the enterprise by the bringing appropriate changes in their behavior. Or as example below. <coughs> जो पाम में होता है जो रूरल पीपल होता है जो ग्रामीण साथी जो कम्युनिटी में कम्युनिटी में होता है इन लोगों को कुछ नॉलेज का जरूरी है कुछ साइंस एंड टेक्नोजी का नॉलेज देना जरूरी इंप्रूव नॉलेज का देना चाहिए इसको एग्रीकल्चरल नॉलेज लाइफ नॉलेज इसके बाद इसको हॉर्टिकल्चर नॉलेज सब तरह का उनको नॉलेज देना चाहिए इसको नॉलेज देने के लिए हम एज एज एन डॉक्टर हम कैसे कैसे अप्लाई करना चाहिए इसके बारे में कुछ बताए नंबर वन परमा चेंजेस फ्रॉम ट्रेडिशनल जूम कल्टिवेशन टू टू इरीगेशनल डब्ल्यू आर सी कल्टिवेशन एंड एडोप्टिंग

The team of progressive farmers from the NEMDS and Atma and international doctors has been trained by me and my colleagues. तो कुछ डॉक्टर से इंटरनेट बहुत बहुत सारा कॉलेज से चार पांच तो वेटनरी कॉलेज से आता है डॉक्टर प्राईकटमर से मेरे साथ इंटरशिप करके मेरे साथ डॉक्टर टांग मेरे साथ और मेरा कॉलेज लोग कर इंटर्नशिप करने के लिए आ जाता है इसके बाद एन डी एम डी और आत्मा टीम भी आ जाते है मैंने उन लोगों को सिखाया नंबर वन हाउ टू स्टार्ट अ डायरी फार्म नंबर टू हाउ टू मिल्किंग पीडिंग एंड मैनेजमेंट नंबर थ्री हाउ टू डू आर्टिफिशियल आर्टिफिशियन सेमिनेशन नंबर फोर हाउ टू ट्रीटमेंट हाउ टू वैक्सीनेशन हाउ टू ड्यूअर मैं एक् एक्स्ट्रा मैंने इन लोगों को एज एन एज ए डॉक्टर एज एन एक्सटेंसन एक्टिविटीज मैंने एज एन रिसर्च एंड एक्सेंस एक्टिविटीज़ मैंने उन लोगों को गाइड किया सिखाया ये सिखाने के बाद में बेनिफिट क्या हुआ द आउटकम ऑफ दिस रिसर्च आर वेरी वेरी गुड बिकॉज ट्रेन इज ट्रेन बाय आस गॉट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एंड बैंक नाउ स्टार्टिंग डायरी फॉर्म

থ্ৰো একেন অল দ ক্লাছ অফ পিপুল ৱিত অল এজেছ কেন বি ই্পাৰ্টেড নলেজ এণ্ড টেকনি নো হ' ফৰ দ ফুটফুল ডেপমেণ্ট অফ দ নেচন মোৰ অভাৰ দ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনিমল হছবেডিৰি বেটেনেদৰে ডেভেলপম এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ ফিছৰিছ सेकल्चर एक्सेट्रा कैन केरी आउट एक्टिविटीज़ ऑफ़ द स्टेट गवर्मेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई एक्सटेंसन नॉलेज एंड प्रैक्टिस ट्रांसफर ऑफ टेक्नलॉजी फॉर दर्मर्स वेलफेयर एंड प्रोग्स टैंकिंग यू बाई डॉक्टर ट्रकिंग अमी इस तरह से हम वेटेरियन जो भी हो जो एग्री एलाइट में जो भी जो भी है जो भी एक्सपर्ट टीम लोग हैं एज एन एक्सटेंशन ऑफिसर हम गवर्मेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट का जो भी टेक्निकल नो हुए जो भी मिशन है जो भी नया नए साइंटिस्ट बने उसको हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलोजी के द्वारा सीखा के इन लोग जो भी ग्रामीण साथियों एक्सपीटेंस लेवल पर एक कम्युनिटी लेवल में इन लोगों को सीखा के बहुत अच्छा उन लोगों को हम ज्ञान दे सकते हैं और दिस इज डिस आर्टिकल ये जो है मेरा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रेस एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद में मैं जब पोस्ट ग्रेजुएट डेवलपमेंट एग्रेस एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट में के लिए मेरा एक आर्टिकल था मैं इसको मैं अभी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ थैंक यू सो मच फॉर ऑल यू